मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से लहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sunilis.com कैसे पता होगा सच किसी ने मुझे बताना जरूरी ही नहीं समझा बीबी एक मेरी बात सुनो क्या हुआ दीदी किसने क्या नहीं बताया था बीबी प्लीज देखो अभी सब कुछ ठीक है ना हाँ तो रहने दो प्लीज कुछ मत कहो बस सच बहुत हो गया मेरे घर वालों का लिहाज बदले में तुम्हें क्या मिला बेइज्जती साची आज तुम चुप रहोगे अगर तुम्हें कुछ बोलना था ना तो तुम पहले ही बोल देती प्लीज आज मैं अदू से मिलकर आया और उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ इसका जवाब आप देंगे क्या बोल रहे हो डीवी तमीज से बात करो ये बहुत सीरियस मैटर है माय डियर भाभी आज तक मैं आपके ताने और टॉन्स सुनता आ रहा इग्नोर करता आ रहा क्योंकि आप मुझसे उम्र में बड़ी और रिश्ते में भी बड़ी लेकिन आज मैं इस घर की बड़ी बहू से पूछता हूं कि क्यों मेरे आदू को यहां पर रहने नहीं दिया क्यों उसे इतना टॉर्चर किया गया क्या बकवास करते जा रहे हो यहां साची का भाई तो क्या साची की बहन साची की दोस्त साची की आजी साची की नानी सब आए हैं मिलने के लिए और हमने किसी को नहीं टोका वो सब तो मेरे सामने था भाभी लेकिन मेरे पीछे आदू के साथ क्या हुआ ये आप मुझे बताइए आदू यहां मजे में रह रहा था टीवी और वो अपनी मर्जी से गया है मैंने उसे कुछ नहीं कहा घर में आराम से पड़ा हुआ था इतने ही आराम से अगर वो यहां रह रहा था तो आपने उसकी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी होगी कि वो एक घर छोड़ने पर मजबूर हो गया मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि तुम्हारे कान कौन भर रहा है दोनों भाई बहन मिलकर अच्छा खासा ड्रामा कर बस भाभी बस बहुत हो गया आपका ये ड्रामा इस घर में कौन कान भरता है और कौन गेम्स खेलता है ये हमारे घर के नौकर तक जानते हैं और आज के बाद ना अगर मेरी बीवी को जरा भी तकलीफ हुई तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आपके और मेरे बीच देवर और भाभी का रिश्ता है ये बात आप मत भूल टीवी तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे की सुपर्णा पहले तुम अपनी आवाज नीचे करो उसके बाद टीवी को टोकना आवाज मैंने नहीं उठाई मां आवाज तो टीवी ने ही ऊंची की पर लगता है आपने इसे तमीज नहीं सिखाई और अगर सिखाई है तो ये भूल चुका है कि अपनी बड़ी भाभी के साथ कैसे बात की जाती ये सब क्या हो रहा है सुपर्णा अनवे देखो ना तुम्हारा ये छोटा भाई आदू को घर से निकालने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है इसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है कि उस आदू को मैंने घर से बाहर निकाल दिया
जबकि वो अपनी मर्जी से गया है घर छोड़कर आवारा गर्दी करने के लिए। सुपर्णा, वो आवारा गर्दी करने के लिए घर से नहीं गए, तुम्हारी साजिशों की वजह से गए। क्योंकि तुम और तुम्हारी बहन लोगों को इस घर से बाहर निकालने में एक्सपर्ट हैं। अनवय, तुम भी? हाँ, मैं भी सुपर्ण, क्योंकि ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि डीवी सच कह रहा है। डीवी से माफी मांगो। इनफैक्ट तुम्हें तो साची से भी माफी मांगनी चाहिए। ये क्या कह रहे हो अनवय तुम? वही कह रहा हूं जो तुमने किया है सुपर्णा। तुम अपनी गलतियों को तो सुधार नहीं सकती, उनके लिए माफी तो मांग सकती, इसीलिए माफी मांगो। माफी मांगेगी मेरी जूती? सुपर्णा, माफी मांगो राइट नाउ। माफी मांगो राइट नाउ। भैया, भैया प्लीज, भैया आदू खुद अपनी मर्जी से और मेरी मर्जी से गया है। और एक हिसाब से अच्छा ही हुआ ना, देखिए ना वो पढ़ाई में कितना अच्छा कर रहा है, टॉप कर रहा है अपने क्लास में। यहाँ से गया तो वो कॉन्सेंट्रेट भी कर पा रहा है अपनी पढ़ाई पे, वरना यहाँ रहता तो उसका ध्यान भी यहाँ वहाँ भटकता, दीवी के साथ मस्ती में ही लगा रहता। और अभी तो वो जिम्मेदार हो गया है और पहले से और अच्छा हो गया है पढ़ाई में। आप अपनी भाभी को ब्लेम मत कीजिए। देखा तुमने सुपर्णा, देखा तुमने, साची जब से इस घर में आई है उसने इस घर को बांधने की कोशिश की और तुम तोड़ती आ रही। हर वो बंधन, हर वो संस्कार, हर वो रिश्ता तोड़ा है तुमने, क्योंकि वही आता है तुम तोड़ना, सिर्फ तोड़ना। प्लीज रहने दीजिए, मत बढ़ाइए इस बात को। आफ्टर ऑल भाभी इस घर की बड़ी बहू है, उनका ऐसा अपमान हो इस घर में, ये भी तो इस घर के संस्कार नहीं है ना। प्लीज भैया। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा सुपर, लेकिन अगली बार अगर तुमने अपनी गंदी पॉलिटिक्स फिर से खेली तो मैं खुद तुम्हें इस घर का दरवाजा दिखाऊंगा। मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आज तक सुपर्णा को शायद उसके करतूतों पर, उसके इरादों पर हमेशा पर्दा डाला। उसकी हर हां में हामी भरी मैंने और हर गलती में उसका साथ दिया। प्लीज फॉरगिव मी। डीवी, साची, इसके लायक तो नहीं हूं पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। भैया प्लीज, क्या कर रहे हैं आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, आपसे हमसे माफी मांगकर आप हमें और छोटा मत कीजिए। आपसे तो कोई भी शिकायत ना कभी थी, ना है और ना ही हो सकती है। प्लीज भैया। Thank you.
नहीं साची, मुझे रोककर और सुपर्णा भाभी की साइड लेकर तुमने ठीक नहीं किया। पर दीदी, पर बहुत साची, अरे आदु को मुंबई मैं लेकर आया, आजी नानी को भरोसा दिलवाया कि मैं उसकी देखभाल करूंगा, और यहाँ उसकी इतनी बेइज्जती। लंदन से आने के बाद जब जब मैंने उसे घर पर बुलाया उसने बहाने बनाए, एक ही शहर में रहने के बावजूद वो यहाँ पर आने से हिचके जाता है। साची, सुपर्णा भाभी को इसके लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी। मैं उन्हें एक मिनट दीदी, काम डाउन प्लीज, मेरी बात सुनो। बहुत अच्छा लगता है दीदी ये देख कर के तुम्हें आदू की, मेरे परिवार की इतनी चिंता है, लेकिन ये मत भूलो कि सुपर्णा भाभी भी इसी घर परिवार का हिस्सा है, और जो कुछ भी हुआ सुपर्णा भाभी ने कभी आदू को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, ट्रस्ट मी, नहीं कहा उन्होंने। वो तो मैं ही आदू को यहाँ से लेकर गई थी हॉस्टल, और फिर उससे आदू का फायदा ही हुआ ना। आदू छोटा है, बच्चा है, क्या गुजरी होगी उसके दिल पर। आदू छोटा है, बच्चा है, लेकिन समझदार भी है। उसे समझ में आता है कि उसकी भलाई किसमें है। प्लीज दीदी, देखो जो बात खत्म हो चुकी है उसे तो बार बार दोहराना है ना, इससे किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा, होगा तो सिर्फ झगड़े, मन मुटाव। That's not right ना। बीते कल पर तो अपना कोई बस नहीं है, लेकिन आने वाले कल को तो हम अच्छा कर सकते हैं ना। अरे साची, इस राज की रिपोर्ट ले आई ना तू? हाँ हाँ, आ गई रिपोर्ट, वो क्या वहाँ रखी है, पर देखने का टाइम ही नहीं मिला इतना सब। एनीवेज मैं चेक करती हूँ, तुम जाओ, तुम जाओ जा क्या। Okay. नमस्ते वहिनी। हेलो हेलो वहिनी, बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो वहिनी, हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए वहिनी। नहीं नहीं नहीं, बिजी नहीं हूँ, वो नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था। अब बोलिए ना आप। हाँ हाँ वहिनी, एक मिनट वहिनी, वो हमारे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें क्रेडिट देने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। हाँ, 6 हफ्ते की बात है ना, ऐसे मिल जाएंगे वहिनी। हाँ मैं कह रही हूँ ना, मिल जाएंगे जी। वही नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हाँ क्या सैंपल? हाँ भिजवा दीजिए, मैं टेस्ट कर दूंगी। हाँ आउच, टीवी तो नहीं, कुछ नहीं वही नहीं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। कितनी बात है, अब बाद में बात करती हूँ वही नहीं। देखूं तो मैडम को किस चीज की एलर्जी है, क्या पता कोई बड़ी बीमारी हाथ लग जाए। What? साची is pregnant? 6 weeks? मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, और शायद कभी नहीं चाहिए। अब ये बच्चा बनेगा इन दोनों के बीच की कबाब की हड्डी। जब ये न्यूज टीवी को मिलेगी, ये बच्चा इनका प्यार जोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा। वैसे भी बहुत हो गया ये मीठा मीठा प्यार, डायबिटीज ही होने वाली थी। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग, ये सब क्या है? ब्रेकफास्ट? आज मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं, लेकिन तुम्हें तो पता है मुझे कुछ पकाना नहीं आता, लेकिन जो हलवा तुमने मुझे सिखाया था ना, हाउ स्वीट टीवी, हाउ स्वीट, टेस्ट करने से पहले ही हाउ स्वीट, पहले टेस्ट तो करो। कौन है ये? ये पिंटू। पिंटू? कौन पिंटू? अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा, हलवा कैसा? बहुत मीठा है, इतना प्यार जो डला है। अच्छा सच्ची? हाँ यार, फिर तुम मुझे रमेश से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ बनवाया है, बनाया तो उसने, इतना सारा प्यार कैसे डाल दिया उसने? ओके ओके ओके, चलो अब गर्मा गर्म चाय पियो। ये मिंटी। मिंटी कौन है? ये मिंटी ये दोनों वो सपना है जो तुमने पहले देखा और मैंने बाद में। I'm sorry जी, उस दिन मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बहुत इनसेंसिटिवली बिहेव किया मैंने। टीवी पागल हो गया तू? अरे बाबा मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज हूं, अब अगर तुम इतनी बार सॉरी बोलोगे तो मुझे भी सॉरी बोलना पड़ेगा, मैंने भी तो कितना प्रेशराइज किया तुम्हें, तुम्हारे पीछे ही पड़ गई थी मैं। नहीं सच्ची, I was wrong and selfish. मेरे कान खींचो और मुझे सजा दो, कान खींचो। टीवी तुम मेरी लाइफ हो, और अगर तुमने कुछ गलत किया भी है तो मैं ज्यादा देर तुमसे नाराज नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी अगर तुम अपोलोजाइज करना ही चाहते हो तो आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी। थैंक यू। यार साची, तुम मेरी लाइफ का सोल्यूशन। मतलब? हर बात में पीछे पड़ जाती हूँ, बचपना छोड़ो, रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, ऑफिस जाओ, काम करो, तो फिर इस बात पर तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? थोड़ा भी इंसिस्ट नहीं किया? किस बात के लिए? बेबी वाली बात पे। तुम मुझे रिस्पॉन्सिबल बेटा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना सकती हो तो पापा बनने के लिए कन्विंस नहीं कर सकती? लेकिन टीवी मैं साची, जब से तुमने बच्चे की बात करना बंद किया है तब से मेरा मन कर रहा है दैट आई वांट टू बी अ डैड। हाँ, और मैं कब से ये बात तुमसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, याद है मैं तुम्हें फोटो एल्बम दिखा रहा था, और फिर उसके बाद मैंने श्रुति और रमन के साथ भी प्लान बनाया था। सॉरी मैं समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, अब समझ गई ना। आई एम रेडी साची। तुम ये अपने दिल से कह रहे हो ना, तुम्हें किसी ने प्रेशराइज तो नहीं किया? आई मीन तुम इसके लिए कैसे राजी हो गए? तुमने राजी किया, तुम्हारी चुप्पी में तुम्हारी बातों से ज्यादा वजन। I'm ready. But
I am not ready. अरे क्यों? What क्यों? तुम हमारे बच्चों के नाम ऐसे पिंटू और मिंटी रखोगे? मुझे नहीं चाहिए बच्चे. ओके ठीक है, दोनों मिलकर डिसाइड करें. अच्छा ठीक है, सोचूंगी. अच्छा हाँ, फिर मिलकर सोचते हैं ना. दीदी क्या साची और टीवी इस मामले में भी एक हो गए? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी. साची, तुमने मेरी बहन को इस घर से निकाला है, मैं तुम्हें इस घर से निकलवाऊंगी. ऐसा निकलवाऊंगी कि तुम लौटने का रास्ता नहीं ढूंढ पाओगी. वॉच मी फिनिश योर गेम साची. मेरी जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी को फांसी की सजा सुनाती है. अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com.